हाइड्रोलिक प्रेस वर्सेस डिफरेंट थिंग्स। और जब हमने एक फायर एक्सटिंग्विशर को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा तो पहले तो उसका ऊपर से हैंडल प्रेस हुआ और इसके बाद इसके अंदर मौजूद फ्लूइड भी बाहर निकल आया और इसका कंज्यूमर बन गया। जब हमने एक हेलमेट को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा तो उसका भी कंज्यूमर बन गया। और जब हमने बहुत से टायर्स को जिसके अंदर बहुत ही रेत भरी हुई है को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा तो वो भी सभी दब गए। जब हमने कुल्हाड़ी को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा तो पहले तो इसका ऊपर वाला पोर्शन कर्व हुआ और हाइड्रोलिक प्रेस के ज्यादा प्रेशर की वजह से वो टूट ही गया। आइए हम इसे डिफरेंट एंगल्स से देखते हैं। डिफरेंट एंगल्स से देखने से ये तो कुछ ज्यादा ही दिलचस्प लग रहा है। जब हमने लोहे के रोड हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखे तो हाइड्रोलिक प्रेस के प्रेशर की वजह से ये कर्व होते हुए हाइड्रोलिक प्रेस से ही निकल गए। ये देखिए हाइड्रोलिक प्रेस ने इसको कितना ज्यादा कर्व कर दिया है, इसका यू ही बन गया। जब हमने तीन लोहे के रोड बांध कर हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखे तो बहुत सी कोशिश के बाद भी हाइड्रोलिक प्रेस को कुछ न बिगाड़ सका। हमने लोहे के बहुत ज्यादा रोड को बांध कर हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा और हाइड्रोलिक प्रेस का इस पर घूमते हुए प्रेशर लगवाया तो इससे ये अलग तो हो गए लेकिन कर्व ना हो सके। जब हमने गैस के सिलेंडर को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा तो हाइड्रोलिक प्रेस ने पहले इसके ऊपर वाले पोर्शन को दबोचा, उसके बाद हाइड्रोलिक प्रेस के प्रेशर की वजह से इसका नीचे वाला पोर्शन भी बच ना पाया। जब हमने बहुत सारे पेपर्स को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा तो ये तो दब गए मगर हाइड्रोलिक प्रेस इन्हें फाड़ ना सका। जब हमने बहुत सारे पेपर्स पर एक पत्थर रखकर इसे हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा तो हाइड्रोलिक प्रेस के काफी प्रेशर से आधे से ज्यादा पेपर्स फट गए। आइए इसे डिफरेंट एंगल से देखते हैं। जब हमने कॉपर का बार हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा तो ये बहुत आसानी से ही कर्व हो गया और जब हमने एक लकड़ी का पीस हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा तो वो भी दब गया। जब हमने एक सिलेंडर को वर्टिकल पोजीशन में हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा तो हाइड्रोलिक प्रेस का काफी प्रेशर भी इसका कुछ ना बिगाड़ सका मगर जब हमने इसी सिलेंडर को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा तो हाइड्रोलिक प्रेस ने इसके दोनों साइड को ही एक दूसरे के साथ मिला दिया। जब हमने स्टील की रिंग को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा तो ये तो टूट ही गई और इसके अंदर से चिंगारी भी निकली। आइए इसको डिफरेंट एंगल से देखते हैं। वाओ, ये तो कितना दिलचस्प लग रहा है। जब हमने एक कोर किस्म की रिंग को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा तो हाइड्रोलिक प्रेस ने इसका भी बिल्कुल ही कंज्यूमर निकाल दिया और ये दो छोटी छोटी रिंग्स में कन्वर्ट हो गए। जब हमने ऐसे ही रिंग्स को एक दूसरे के ऊपर रखा और हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा तो हाइड्रोलिक प्रेस इनका कुछ ना बिगाड़ सका मगर जब हमने इन्हीं रिंग्स को कुछ ऐसी पोजीशन में हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा तो तब भी हाइड्रोलिक प्रेस इनका कुछ ना बिगाड़ सका। हमने इन रिंग्स को डिफरेंट पोजीशन में हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखकर देखा मगर दो से ज्यादा रिंग्स का हाइड्रोलिक प्रेस कुछ ना बिगाड़ सका। अगेन, किसी ने सच ही कहा है, इत्तेफाक में बरकत है, यूनियन इज स्ट्रेंथ। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।